वहाँ भी बेहद ही सुंदर थी। वैसी ही जिनके बारे में लोग सपने देखकर न जाने कैसी कैसी कहानियाँ लिखते हैं। सुंदर चेहरा, दुबला पतला छरहरा बदन, भरे हुए स्तन, लंबे बाल, कोई भी कमी न थी उनमें। क्या वो मेरे सपनों को पूरा करेगी? मेरे प्यारे देवर जी आ गए, देखो तो कितने लंबे हो गए हो तुम। मेरी प्यारी नेहा भाभी ने मेरे आते ही मुझे गले लगा लिया और मैं भी अपनी खूबसूरत भाभी को देखते ही उनसे गले लिपट गया। नेहा भाभी बेहद ही सुंदर थी, वैसी ही जिनके बारे में लोग सपने देखकर न जाने कैसी कैसी कहानियाँ लिखते हैं। सुंदर चेहरा, दुबला पतला छरहरा बदन, भरे हुए स्तन, लंबे बाल, कोई भी कमी न थी उनमें। वो आज हरी रंग की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें भूरे रंग की बॉर्डर थी। उनके छोटे आस्तीन वाले मैचिंग ब्लाउज में उनकी काया तो बस मंत्रमुग्ध कर रही थी। उनके मुलायम स्तन गले लगाने पर जिस तरह मेरे सीने पे महसूस हो रहे थे, उन्हें छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। पर मेरी भाभी थी वो और मुझे उनका सम्मान करना चाहिए। मैं 10वीं की परीक्षा के बाद गर्मी की छुट्टी बिताने तनुज भैया और नेहा भाभी के घर अभी अभी पहुँचा था। तनुज भैया मुझे स्टेशन लेने आए थे, मुझे उनके यहाँ छुट्टी बिताना बड़ा पसंद था। आखिर नेहा भाभी मुझे इतना प्यार जो देती थी। भैया और भाभी की शादी को 2 साल ही हुए थे और उन दोनों में अब भी नए शादीशुदा दंपत्ति वाली चमक थी। कोई भी मेरी भाभी को देख ले तो उनको तुरंत यकीन हो जाए कि मेरे भैया कितने भाग्यशाली थे। कहने को तो नेहा भाभी हाउसवाइफ थी, पर बेहद ही मॉडर्न विचारों वाली थी वह। वो चाहे साड़ी पहने या फिर स्कर्ट, सभी में वो मॉडर्न लगती थी। अंग्रेजी भी फर्राटे से बोल लेती थी वो। भाभी के बारे में मुझे मेरे मन में उल्टे सीधे विचार नहीं लाने चाहिए, पर वो है ही इतनी आकर्षक। और उनके गले लगाने के बाद, उनके मुलायम स्तनों को अपने सीने से महसूस करने के बाद तो मन में ऐसे विचार आना स्वाभाविक था, मुझे जीवन में और भी औरतों ने गले लगाया है। पर नेहा भाभी मुझसे ज्यादा करीब से गले मिलती थी। मैं यह नहीं कह रहा कि उनका मुझ में किसी गलत तरह का इंटरेस्ट था, बल्कि सच तो यह था कि नेहा भाभी मेरी काफी अच्छी दोस्त थी। फोन पर ही सही, पर उनसे अपने दिल की बहुत सी बातें आसानी से कह सकता था मैं। खुले दिल से वो मेरी बातें सुनती और अपनी भी बातें कहती। शायद इसलिए उन्होंने मुझे इतने प्यार से बेफिक्र होकर गले लगाया था और मैं था जो उनके कोमल बदन के बारे में सोच रहा था। मुझे खुद पर थोड़ी शर्म महसूस होने लगी। वो अब भी मेरा हाथ पकड़कर खुशी से मेरी ओर देख रही थी। तनुज, आज तुम घर जल्दी आ जाना, देवर जी के साथ कहीं बाहर खाना खाने जाएगा आज, भाभी ने भैया से कहा। हाँ हाँ मैडम, तुम्हारे देवर के साथ साथ वो मेरा भाई भी है, मैं जल्दी आऊँगा, भैया ने कहा। भाभी अब भी लुशी से मेरा हाथ पकड़ी हुई थी। फिर भैया भाभी ने एक दूसरे को गले लगाया और भैया को ऑफिस के लिए विदा किया। दोनों में बेहद प्यार है, ऐसा साफ झलकता था। भैया ऑफिस के लिए निकल गए। नेहा भाभी मेरा हाथ पकड़कर उत्साह के साथ मुझे अंदर लेकर आई, जहां टेबल पर मेरे लिए नाश्ता तैयार लगा हुआ था। उन्होंने मुझे बैठाया और खुद सामने बैठ गई। अनुज देवर जी, पेट भरकर नाश्ता कर लो, खाना खाने में समय है अभी। नेहा भाभी ने अपने सीने पर सरकती हुई साड़ी से अपने ब्लाउज को ढंकते हुए मुझसे बोली और फिर बड़ी ऋषि से मेरी ओर देखने लगी। भाभी, आप मुझे अनुज बोलो ना, देवर जी बहुत भारी सा लग रहा है, मैंने कहा। मेरी बात सुनकर वो हंस दी। फिर डाइनिंग टेबल की कुर्सी से पीछे टिकते हुए उन्होंने अपने दाहिने पैर को बाएं पैर पर रखकर उन्होंने अपनी साड़ी की प्लेट सुधारी और फिर घुटनों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए मुझसे बोली। हाँ तो अनुज, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि प्रिया कैसी है, उससे बात कुछ आगे बढ़ी या नहीं? मेरा ध्यान तो उनके हाथों पर लगी नेल पॉलिश पर था। कितने सुंदर नाजुक से हाथ लग रहे थे उनके। फिर भी मैंने उनके सवाल का जवाब देने का प्रयास किया। प्रिया मेरी क्लास में पढ़ने वाली लड़की थी, मुझे बहुत पसंद थी, पर मैं उससे कभी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। भाभी से उसके बारे में बात करने के बाद मैंने प्रिया से कुछ बात करने की शुरुआत किया था।
कहां भाभी, अभी तो बस थोड़ी ही बात हुई है, उसे तो पता भी नहीं कि मेरे दिल में क्या है। मैंने कहा, अरे तुम कहोगे नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा? तुम यूं ही रहोगे तो मुझे कभी देवरानी का सुख नहीं मिलेगा। भाभी ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में कहा, भाभी आपको पता है न कि मैं अभी सिर्फ 15 साल का हूँ। आपको देवरानी का सुख बहुत सालों तक नहीं मिलने वाला है। मैंने मजाक में उनसे कहा, हाँ हाँ पता है मुझे, पर बात अभी से पक्की कर लोगे तो बाद में आसानी होगी। भाभी ने कहा, मैं भी मुस्कुरा दिया, पर इस वक्त मेरे दिमाग में प्रिया से ज्यादा भाभी थी। उस पोल्का डॉट वाली साड़ी में वो सचमुच कमाल लग रही थी। उनका पल्लू कंधे से लटक कर फर्श तक जा रहा था। मेरे मन में तो विचार आया कि उस पल्लू को अपने हाथों से उठाकर उनकी गोद में रख दूं। उनके हाथों में लगी मैरून रंग की नेल पॉलिश बड़ी सेक्सी लग रही थी। दिल में हसरत जाग गई कि काश वो अपने हाथों से मेरे चेहरे को छू ले। तभी भाभी उठ खड़ी हुई और उन्होंने प्यार से मेरे सर पर अपना हाथ फेरा। भाभी मेरे दिल की बात कहीं सुन तो नहीं रही? मेरे बालों को छूकर वो बोली, अनुज तुम नाश्ता करो, मैं जरा मशीन में कपड़े धोने लगा कर आती हूँ। ऐसा कहकर भाभी दूसरे कमरे में जाने लगी। जाते हुए उनकी लहराती हुई कमर देखकर तो मेरा मन कुछ बेकाबू सा हो रहा था। हाय, उस साड़ी और ब्लाउज में कितनी दमक रही थी वो। पर मन में काबू करते हुए मैंने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद मैं बाहर के कमरे में सोफे पर आकर बैठ गया। अपना फोन निकाल कर मैं कुछ मैसेज करने लगा। तभी भाभी वापस आ गई और धम्म से मेरी बगल में आकर सोफे पर पालती मार कर बैठ गई। उनको अपने इतने करीब पाकर मैं थोड़ा सा संकुचा गया। उनके पैर मेरी जांघों को छू रहे थे और उनकी साड़ी का पल्लू मेरी गोद पर था। मुझे अंदर से कुछ कुछ हो रहा था। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, पर तन पर काबू न था मेरा। भाभी अब मेरे और करीब आ गई। उनकी बाहें मेरी बाहों को अब स्पर्श कर रही थी। भाभी मेरे साथ हमेशा से ही ऐसी थी। हम दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी। हम सभी तरह की बातें किया करते थे। कभी भाभी का भैया से झगड़ा हो जाए तो वो मुझे तुरंत फोन लगाती थी। वो कहती थी कि भैया और मैं एक ही तरह के हैं। इसलिए मुझसे बात करके उन्हें समझ आ जाता था कि भैया को कैसे मनाया जाए। मुझे तो यकीन नहीं होता था कि भैया मेरी तरह हो सकते हैं, क्योंकि भैया मेरे प्रति काफी स्ट्रिक्ट थे। बस पढ़ाई और काम की ही बातें करते थे। पर भाभी और मेरे बीच की यही दोस्ती थी, शायद जिसकी वजह से हमारे बीच शारीरिक दूरी बहुत नहीं होती थी। भाभी मुझे निसंकोच कभी भी कहीं भी छू लेती थी। उन्हें शायद ध्यान भी न होता था कि उनके शरीर के अंगों का स्पर्श पाकर मेरा क्या हाल होता है। कभी कभी तो लगता था कि भाभी मुझे अपना देवर कम सहेली ज्यादा समझती थी। अनुज जी, मुझे जरा प्रिया की तस्वीर तो दिखाओ, भाभी ने अपनी कुहनी से मुझे छेड़ते हुए कहा। भाभी, मेरे पास प्रिया की कोई तस्वीर नहीं है। मैंने भी अपने हाथ से उनके हाथों को पीछे धकेलते हुए कहा। इस दौरान मेरी कुहनी उनके स्तन से लगकर दबा गई। मैं तो उनके स्तनों को स्पर्श पाकर शर्मा गया, पर भाभी को कोई फर्क न पड़ा। वो तो मेरे और पास आ गई। उनका चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल बगल में था और उनके स्तन मेरी बाहों से दब रहे थे। वो बोली, अरे अब झूठ न बोलो अनुज, फेसबुक पे तो तुम्हारी दोस्त होगी वो। अब तुम दिखाते हो या मैं ही तुम्हारे फोन से देख लूं? मैंने आखिर उन्हें अपने फोन पर प्रिया की फोटो दिखा ही दी। हाय कितनी सुंदर लड़की है, तुम दोनों की जोड़ी बहुत सही लगेगी। मेरा तो दिल कर रहा है कि अभी जाकर तुम्हारी शादी की बात शुरू कर दूं। भाभी बड़े उत्साह से मेरे हाथों से फोन छीनकर फोटो देखते हुए बोली, भाभी शादी अभी से? बात तो होने दो पहले। मैंने जवाब दिया, ठीक है बाबा कॉलेज के बाद शादी कर लेना, पर जो भी कहो लड़की बहुत सुंदर है। भाभी ने कहा, वो अपनी कातिल निगाहों से मेरी ओर देखने लगी। मैं शर्माते हुए उनसे बोला, भाभी पर आपसे सुंदर तो कोई नहीं हो सकती। मैं सोच रहा था कि मैंने ऐसे कैसे कह दिया, भाभी कहीं गलत मतलब न निकाल ले मेरी बात का। पर मेरी नजरों में भाभी सचमुच सबसे सुंदर थी। भाभी नाराज न हो जाए,
मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा। पर गुस्सा होने की बजाय भाभी ने मुझे गले लगा लिया। अब तो उनके दोनों स्तन मेरी बाहों को दबा रहे थे। उफ, कितने मुलायम थे वो, और उनकी बाहें मेरे गले पर थी। उनकी कलाइयों की अनगिनत चूड़ियां मेरे चेहरे के सामने खनक रही थी। अब तो मुझसे रहा नहीं जाएगा, मैंने सोचा। उनके भरे हुए होंठ भी आँखों के सामने ही दिख रहे थे, पर कुछ ही सेकंड में वह खुद ही पीछे हो गई और उन्होंने मुझसे कुछ देर कमरे में आराम करने को कहा। मैं अब दूसरे कमरे में आ गया था जहां मेरे ठहरने का इंतजाम था। मुझे यहां आराम करना था, पर भाभी का स्पर्श ऐसे कैसे भूल सकता था मैं। ऊपर से कमरे में भाभी की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी। मेरी आंखों में नींद न थी, दिल में बस एक ही बात चल रही थी, क्या भाभी से आज मैं वो बात कर ही लूँ जो न जाने कब से मेरे मन में है। जब से भाभी से दोस्ती हुई है, दिल यही कहता रहा है कि भाभी से बोल ही दूँ, शायद भाभी मेरी बात समझकर बुरा भी नहीं मानेगी। पर उन्होंने भैया से कह दिया तो मुझे भैया से बड़ा डर लगता है। मेरी एक बात की वजह से हमारे रिश्ते हमेशा के लिए खत्म न हो जाए कहीं। कमरे में कुछ देर बिस्तर पर उलट पलट कर मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने सोचा कुछ देर भाभी से ही बात कर ली जाए। मैं भाभी के कमरे की ओर बढ़ा, अंदर झांक कर देखा तो भाभी आईने के सामने शायद तैयार हो रही थी। उनके लंबे बाल खुले हुए थे, उन्होंने अपने बालों को एक तरफ किया और फिर अपनी साड़ी के पल्लू पर पिन लगाने लगी। उनकी नग्न पीठ अब साफ दिख रही थी। उनका ब्लाउज पारदर्शी था जिसमें उनकी सफेद ब्रा साफ झलक रही थी। मुझे लगा अनजाने में ही सही, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। उनका तन मुझे उतावला कर रहा था और मैं अपने मन को काबू करने की कोशिश कर रहा था। भाभी ने तभी टेबल से एक पिन उठाई और अपनी साड़ी में कमर के नीचे प्लेट पर लगाई। मुझे जल्दी ही कुछ कहना होगा, मैंने सोचा। भाभी अपने में मशगूल थी। उन्होंने टेबल से एक छोटा सा पर्स उठाया और कंधे पर पल्लू को सरकाती हुई बस पलट ही रही थी। तब मैंने हिम्मत करके कहा, भाभी आप कहीं जा रही हो? मुझे लगा कि मुझे अचानक सामने देखकर भाभी डर न जाए, पर वो निश्चिंत होकर बोली, मैं सोच ही रही थी कि तुम वहाँ खड़े ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी, बहुत शर्माते हो तुम अनुज। फिर थोड़ा नैन मटकाते हुए वह बोली, सोच रही थी कि तुम्हें मॉल घुमाने ले जाऊं, क्योंकि तुम्हें तो कमरे में नींद नहीं आ रही थी और फिर मॉल में ही तुम्हें खाना भी खिला देती। अब बताओ मैं ठीक लग रही हूँ ना इस साड़ी में, या मुझे बदलने की जरूरत है? मैं तो उन्हें बस देखते ही रह गया। उन्होंने अब भी वही साड़ी पहनी हुई थी, पर खुले बालों में और भी कमाल लग रही थी भाभी। उनकी उम्र 23 साल की थी और उनकी जवानी खिलकर दिखती थी। मेरे सामने भाभी कुछ ज्यादा ही सहज थी और उनकी यही सहजता मुझे उतावला करती रहती थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि भाभी से मिलने से बेहतर तो उनसे फोन पर बात करना है। उनका मादक बदन देखते हुए तो मैं कभी उनसे अपने दिल की बात ही नहीं कर सकूंगा। न चाहते हुए भी मेरा ध्यान उनके स्तनों और सफेद ब्रा पर जा रहा था और मेरी पेंट में भी हलचल होने लगी थी। आप बहुत अच्छे लग रहे हो भाभी, काफी देर के बाद मैंने उन्हें जवाब दे ही दिया। भाभी ने मेरी ओर देखा, फिर पर्स को बिस्तर पर फेंकते हुए वो बैठ गई। उन्होंने मुझे पास बुलाते हुए कहा, क्या बात है अनुज, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? मैं वही खड़ा रहा, मन ही मन सोच रहा था कि यही मौका है भाभी से दिल की बात करने का, पर न जबान ने साथ दिया और न ही मेरे कदम आगे बढ़े। भाभी ने मुझे फिर हाथों से इशारा करके बुलाया। मैं धीरे धीरे चलकर उनकी बगल में आकर बैठ गया। बोलो क्या कहना चाहते हो? भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनके मुलायम हाथों को स्पर्श मेरे लिए कुछ कहना और मुश्किल कर रहा था। मेरी नजरें उठ नहीं पा रही थी, उठकर बस उनकी गहरी सांसों से ऊपर नीचे होते स्तनों तक जाकर रुक जाती। भाभी मेरे जवाब का सब्र के साथ इंतजार कर रही थी। आखिर मैंने कह ही दिया, भाभी मैं आपकी तरह दिखना चाहता हूँ। मैंने भाभी से ज्यादा और कुछ न कहा। मैं जानता था कि मैं क्रॉस ड्रेसर हूँ और मैं भाभी की तरह ही आकर्षक महिला बनना चाहता था। उनकी साड़ियाँ, उनके ड्रेसेस, उनकी स्कर्ट्स, उनकी तरह के कपड़े पहनकर इठलाना चाहता था
और इस दुनिया में भाभी की तरह कोई और करीब नहीं था मेरे, जिससे मैं यह बात कह सकूं, पर मैं सिर्फ इतना ही कह सका, मैं आपकी तरह दिखना चाहता हूं। इसके बाद मुझे लगा कि भाभी मुझसे बहुत सवाल करेगी इस बारे में, पर वो कुछ न बोली। न जाने वो 5 सेकंड थे या 15 मिनट, पर वो पल अनंत काल सा प्रतीत हो रहा था। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि भाभी कुछ बोले। चिंता में मेरे तन की कामुक हलचल भी धत्म हो गई थी।